चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित ये तीन एग्जाम वाले क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक की एक क्लास और मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो सभी क्लासेस को अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एचसीएफ 5 है, तब उन संख्याओं का एलसीएम बताना है कि उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो भाई पहले मैं आपको इन क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इन क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम में सवाल कैसे करने हैं वो तरीका भी बताऊंगा। तो भाई हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जहां पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। भाई मान के चलिए कि आपको सवाल के अंदर दो अलग अलग संख्या दी गई, एक संख्या आपको 20 दे दी गई, एक संख्या आपको 10 दे दी गई, दो अलग अलग संख्या आपको दे दी गई, उसके बाद आपको संख्या का एलसीएम दे दिया गया। तो हो सकता है कि आपसे सवाल के अंदर एचसीएफ पूछ लिया जाए, या क्या हो सकता है कि आपको एचसीएफ दे दिया जाए आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए, या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिए जाए, कोई एक संख्या दे दी जाए और आपसे दूसरी संख्या पूछ ली जाए। तो भाई इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी जब आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो आपके पास तीन वैल्यू होती हैं और आपको किसी एक वैल्यू को फाइंड करना होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब है भाई, जब आपके पास संख्याएं हों तब आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। लेकिन अगर आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल के अंदर आपको ये संख्या नहीं दी गई है भाई, ये आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो वहां से आप संख्याओं को कैसे बनाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए भाई। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया तो आप उससे संख्या को कैसे बनाते हैं। चलिए समझते हैं एक बार भाई। मान के चलिए आपके पास एक संख्या 10 है और एक संख्या आपके पास 15 है, और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इसका एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो भाई आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, यहां से इसका एचसीएफ 5 आएगा। तो अगर एचसीएफ 5 आया तो 5 से आप 10 को डिवाइड करिए तो भाई यहां पर 2 बचेगा, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो भाई यहां पर 3 बचेगा। आप यही तो काम करते हैं भैया, आप एचसीएफ से संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो जब आपने संख्याओं को डिवाइड कर दिया तो भाई पहले वाली संख्या में आपके पास कितना बचा, तो यहां से आपके पास 2 बचा। दूसरी वाली संख्या में कितना बचा, तो भाई यहां से आपके पास 3 बचा। अब मैं इसी को क्या बोल देता हूं, इसी को मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात बोल देता हूं। तो भाई ये अनुपात अगर बना है तो ये कब बना, जब आपने यहां से एचसीएफ को बाहर रख दिया। अब इस अनुपात के अंदर ये एचसीएफ शामिल नहीं है भाई, 5 पहली संख्या के अंदर भी था, दूसरी संख्या के अंदर भी था, मैंने इस 5 को एचसीएफ की फॉर्म में बाहर निकाल दिया, तो जो संख्या बच गई उसी का क्या बन गया, उसी का ये अनुपात बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे इस अनुपात को वापस संख्या बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो मैंने ये एचसीएफ निकाला था मैं क्या कर देता हूं, मैं वापस इन दोनों अनुपात के अंदर इस एचसीएफ की गुना कर देता हूं। तो भाई पहले के अंदर भी कर देते हैं और दूसरे के अंदर भी कर देते हैं, तो जैसे ही एचसीएफ की मल्टीप्लाई वापस होगी तो ये वापस क्या बन जाएगी भाई, ये वापस आपकी एग्जैक्ट संख्या बन जाएगी भाई। 5 की 2 में गुना करेंगे 10 बन जाएगा, 5 की 3 में गुना करेंगे 15 बन जाएगा। तो आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपको सवाल के अंदर अनुपात दिया गया और आपको सवाल के अंदर एचसीएफ दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप एचसीएफ की गुणा करके ये जो आपको अनुपात दिया गया है इनको आप संख्या बना सकते हैं। तो भाई यही काम इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे भाई, एचसीएफ आपके पास 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दी तो पहली संख्या क्या बन गई भाई, पहली संख्या 15 बन गई। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करूंगा तो भाई दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, ये 20 बन जाएगी।
अब आप सवाल को क्या पढ़ सकते हैं कि पहली संख्या आपके पास 15 है, दूसरी संख्या आपके पास 20 है, एचसीएफ आपके पास 5 है, तो आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो भाई लगा दीजिए यही वाला कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एचसीएफ आपके पास 5 है, एलसीएम यहां से आपको निकालना है, तो एक कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से आप इसको काट सकते हैं, 4 बार कटेगा, 15 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो जो आपका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास 60 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। चलिए भाई दूसरा तरीका समझते हैं कि आप इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं भाई। इतना काम तो आप कर लेंगे, आपने एचसीएफ की अनुपात में मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास पहली जो संख्या है 15 आ गई और जो दूसरी संख्या है 5 20 आ गई, तो दोनों आपके पास संख्या आ गई, तो भाई आपको एलसीएम बताना है। तो अगर आपके पास संख्या होती है तो भाई वहां से भी तो आप एलसीएम को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। एलसीएम निकालने के मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं, तो भाई या तो आप फैक्टर वाला मेथड अप्लाई करिए, आप 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, आप 20 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है भाई, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर मैक्सिमम 5 एक बार आया है, तो एक तो ये कॉमन हो गया, उसके बाद एक आप 3 को ले लेंगे, उसके बाद आप 4 को ले लेंगे, तो 5 × 3 = 15 = 60। तो इस तरह से भी आप अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, 15 और 20 का टेबल पढ़िए, तो जब आप टेबल को रीड करेंगे तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि दोनों के टेबल में 60 ऐसी वैल्यू है जो सबसे पहले आई है भाई। 15 × 60 होते हैं और 20 × 3 = 60 होते हैं, तो जो वैल्यू टेबल के अंदर सबसे पहले कॉमन आती है वही आपका क्या बन जाता है, वही आपका एलसीएम बन जाता है। आयोग की पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और जो तरीका मैंने आपको ये बताया आप इससे भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 संख्याओं में 3:5 है, यदि इन संख्याओं का एलसीएम इस बार आपको दिया गया है 75 और आपसे पूछा गया है एचसीएफ क्या होगा, तो भाई पहले मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं और फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट यहां से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी क्या समझाया कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो आप इस अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर दें तो क्या बन जाती है, वो आपकी संख्या बन जाती है। तो भाई इस बार सवाल के अंदर एचसीएफ तो है नहीं, एचसीएफ तो हमसे पूछा गया है, तो हम एचसीएफ को कुछ भी मान लेते हैं। मान के चलिए कि मैंने एचसीएफ को ए मान लिया, तो अगर मैं ए को पहले अनुपात के साथ रखूंगा तो ये एक संख्या बन जाएगी, और जब मैं इसी ए को यानी इसी एचसीएफ को दूसरे अनुपात के साथ रखूंगा तो वो दूसरी संख्या बन जाएगी। तो भाई ये आपके पास पहली संख्या बन गई, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, ये आपका एचसीएफ है, तो इसको मैंने पहली संख्या के अंदर रख दिया और इसको मैंने दूसरी संख्या के अंदर रख दिया भाई। यही रखेंगे, इसको बी नहीं करना, यहाँ पर ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि दोनों ही केस में ये आपका एचसीएफ है। तो भाई ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, आपको सवाल के अंदर एलसीएम दिया गया है तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम आपके पास 75 है, एचसीएफ आपको निकालना है, तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पर भी मैं एचसीएफ को क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी मैं एचसीएफ को ए लिखूंगा, तो आप ए स्क्वायर करने की बजाय डायरेक्ट ए से ए को काट दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 × 5 = 15, साथ में कितना बचेगा ए, और यहाँ से कितना हो रहा है 75। अब 15 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए का मान कितना आ जाएगा, तो भाई ए का मान आपके पास 5 आ जाएगा भाई। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी मैंने एचसीएफ की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 5 × 3 = 15, 15 × 75 5 बार कटेगा, तो ये जो आपका ए है यही क्या है, यही आपका एचसीएफ है। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ भाई, ये तो हमने इससे कैलकुलेट किया, आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको सवाल के अंदर संख्याओं का अनुपात दिया गया हो भाई, ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात सवाल के अंदर दिया गया है तो आप उसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, जो मल्टीप्लाई करके आया उससे डायरेक्ट आप एलसीएम को भाग दे दीजिए, तो
भाई 5 थी आपने 15 किया, मल्टीप्लाई करके 15 आया, तो 15 से 75 को भाग करेंगे तो आपका डायरेक्ट HCF कितना आ जाएगा, तो भाई ये आपका 5 आ जाएगा। ये भी एक डायरेक्ट तरीका है जहां आपको कुछ भी ए वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं जहां पर वापस यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका LCM, भाई देख सकते हैं बिल्कुल पहले जैसी लैंग्वेज है, उनका LCM आपको 180 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, आपसे दूसरी संख्या पूछी गई। तो भाई अभी मैं आपको बता के आया हूँ, संख्या आप कब बना सकते हैं, भाई संख्या आप तब बना सकते हैं किससे, अनुपात से। अनुपात से संख्या आप तब बना सकते हैं जब आपके पास क्या हो, आपके पास HCF हो। और अभी मैंने आपको डायरेक्ट HCF निकालने का तरीका बताया, भाई 4 और 3 के आपस में गुणा करी 12 हो गया, 12 से आप डायरेक्ट LCM को भाग कर दीजिए, तो भाई डायरेक्ट LCM को भाग करेंगे तो ये 15 आएगा, तो यही 15 आपका क्या बन गया, यही आपका HCF बन गया। अब इस HCF की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, मैं दोनों संख्या बना सकता हूँ क्योंकि संख्याओं का अनुपात है 3 और 4, तो अगर 15 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो पहली संख्या कितनी आ गई 45, 15 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 60। आपसे सवाल के अंदर कुछ भी पूछे, यहाँ आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है तो आपका आंसर 60 आएगा, आपसे पूछा जाए पहली संख्या क्या है तो ये 45 आएगी, आपसे पूछा जाए दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है तो भैया आप इनको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आपसे अंतर पूछा जाए तो आप इनको घटा सकते हैं, आंसर 15 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आप एग्जाम के अंदर इन सवालों को करेंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो। तो इस तरह के सवाल आपकी बुक में भी होंगे, उनकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। नाम मैंने आपको बता दिया है, लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो अगली इस टॉपिक की लास्ट क्लास के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।